अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, 3 कप दूध से हम 4 लीटर आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि GMS और CMC क्या है। मार्केट में GMS और CMC आराम से मिल जाएगा, ये ग्रोसरी स्टोर या बेकिंग शॉप से जहाँ बेकरी आइटम मिलती है उधर से आसानी से मिल जाएगा। GMS ये एक तरह का प्रिजर्वेटर होता है और एमल्सीफाइड का काम करता है। ये आइसक्रीम और केक में डाला जाता है, इसलिए इसके लिए वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये काम आता है या बाइंडिंग के लिए ये काम आता है। तो उम्मीद है GMS और CMC को आप समझ गए होंगे, केमिकल के नाम से आपने घबराना नहीं है। ये हर बेकरी आइटम में और पूरी दुनिया में यही चीज़ यूज़ करते हुए आइसक्रीम और बेकिंग की चीज़ें जो होती हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी दराज वगैरह से मंगवा सकते हैं, आजकल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो उम्मीद है मेरे बात आपको समझ आ गई होगी और आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह लाजमी ये आइसक्रीम बनाएंगे, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितना ही ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है और कितनी क्रीमी और मार्केट के ब्रांड से बहुत ज़्यादा अच्छी घर में हम आइसक्रीम बना लेते हैं। तो मेरे उम्मीद है आज की रेसिपी को आप पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये आइसक्रीम कैसे बनाई। कमर्शियल आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया दूध, जो घर में रह जाता है यानी बच जाता है जो दूध, ये उबला हुआ दूध है, फ्रिज का दूध है। तो ये है 2 कप नॉर्मल साइज़ के जो हम चाय वाले घर में यूज़ करते हैं, 2 कप भर के ये दूध। इसको मैं धीमी आंच पे पहले चूल्हे पे रख देती हूँ और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हमने क्या डालने हैं मैं दिखाती हूँ आपको। 1/4 कप वही दूध मैंने, यानी फ्रिज वाला दूध, 1/4 कप ये एक कटोरी में मैंने ले लिया है। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी CMC पाउडर, यानी टीस्पून का 1/4 हिस्सा, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल 1/4 हिस्सा, 1 टीस्पून का 1/4 हिस्सा CMC पाउडर। इसको ज़्यादा हमने नहीं करना, ये एक कमर्शियल रेसिपी है जिसमें ये चीज़ें डलती हैं। तो शानदार सी आइसक्रीम हमारी तैयार होगी इंशाल्लाह। GMS पाउडर इस फॉर्म में होता है जैसे कि नमक, ये देखें दानेदार सा नमक जैसे होता है, ये मैंने ले लिया है खाने वाला चम्मच, यानी जिससे हम चावल खाते हैं ये वाला, 1.5 टेबल स्पून, इसको टेबल स्पून कहते हैं। तो 1.5 टेबल स्पून मैं GMS पाउडर ये भी इसमें डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर, ये आपके सामने है, 2 टेबल स्पून भर के हम ये भी इसमें डाल लेते हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम मिक्स कर लेते हैं, यानी कोई गुटली ना रहने पाए तो ये पेस्ट सी हमारे पास तैयार हो जाए। तो हमने इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है, यानी गुटली ना बन पाए तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। दूध जो उबलने के लिए रखा है उसको बॉइलिंग टेम्परेचर पर नहीं आने देना, यानी उससे पहले ही हमने ये मिक्सचर जो है इसका घोल हमने बना के इसमें डालना है, ताकि अगर उबलते हुए दूध में डालेंगे तो फौरन लम्स पड़ जाएंगे। तो नीम गर्म दूध ही जब हमारा होगा तो तब ही हम अपना ये लिक्विड उसमें डाल देंगे। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। दूध हमारा नीम गर्म है तो इसी स्टेज पे 2 कप भर के, जिस कप से मैंने दूध नापा था वही 2 कप भर के चीनी ये डाल देती हूँ, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क मैं यूज़ नहीं करूँगी तो मैं चीनी ही यूज़ करूँगी। सेम ही फार्मूला होता है, अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करेंगे तो फिर आप इसमें चीनी 2 से 3 चम्मच डालें और बाकी का कंडेंस्ड मिल्क डालें, मगर अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसी तरह से चीनी डाल के और इसको डिज़ोल्व होने दें। दूध हमारा नीम गर्म है, चीनी डिज़ोल्व हो गई है, तो इसी स्टेज पे जो लिक्विड मैंने मिक्स किया था, यानी CMC और GMC और हमारा कॉर्नफ्लोर जो था, इसको मिक्स करते करते हम आहिस्ता आहिस्ता हलाते और आहिस्ता आहिस्ता इसको डालते जाएंगे, क्योंकि बॉइलिंग स्टेज पे अभी ये नहीं आया और हमने ऐसे ही कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है। तो जब तक कि ये थिक ना होने पाए, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, फ्लेम में हमने हाई नहीं करना, फ्लेम अगर हाई करेंगे तो इसमें गुटलियाँ पड़ जाने का अंदेशा होता है, तो इसलिए हमने लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है तकरीबन
तीन से चार मिनट इसको लगेंगे। कंटिन्यू हमने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को हमने नहीं छोड़ना कि गुठलियाँ ना बन पाए। लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट हो गया, यानी बबल इसमें आना शुरू हो गया। तो बस इसी स्टेज पे हमने इसको चूल्हे को ऑफ कर देना है। ये देखें थिकनेस इसकी कुछ इस तरह से टेक्सचर इसका हो जाता है थिक सा, तो हमें इस तरह के चाहिए था। तो फ्लेम को ऑफ करके चम्मच चलाते हुए ही हमने इसको ठंडा करना है। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो इसके ऊपर एक पापड़ी सी आ जाती है, जैसे कि दूध भी हम छोड़ दें गरम दूध वैसे ही ढाबे बगैर, तो उसके ऊपर पापड़ी आती है। तो हमने इसको किसी भी जगह पे चम्मच हिलाते हुए ही इस टेम्परेचर पे लेके आना है कि हम इसको बॉल में डाल के फ्रीज कर सके। तो मैं इसको हिलाते हुए ठंडा कर लेती हूँ। चम्मच चलाते हुए इसको मैंने ठंडा कर लिया है पंखे के नीचे, यानी इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ जिसमें हम इसको फ्रीज करेंगे। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप अपने फ्रीज़र में इसको रख सके। ढांप के हमने इसको रखना है तकरीबन 4 से 5 घंटे, हमने इसको ढांप के छोड़ देना है, क्योंकि ये जब तक के तकरीबन 3% ये जम ना जाए, यानी बिल्कुल हार्ड हमने नहीं करना, थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म में ही रखना है। तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको लगेंगे। तो ढाम के हमने इसको रखना है ताकि ऊपर से इस पर पापड़ी ना आने पाए। तो इसको मैं छोड़ देती हूँ फ्रीज़र में। आइसक्रीम की जो बेस मैंने बनाई है, मैं इसमें बनाऊंगी इंशाल्लाह 2 फ्लेवर। तो जिसके लिए मैंने फ्रीज की हुई स्ट्रॉबेरी, जो तकरीबन वेट में 1 पाव है, यानी चंक्स किए हुए हैं इसके, मैंने आजकल हर एक के फ्रीज़र में होती है क्योंकि ये सीज़न चल रहा है। तो तकरीबन 1 पाव स्ट्रॉबेरी चंक्स की हुई, और इसमें मैं डाल देती हूँ 1/2 कप पानी, ये वाला इस तरह। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी चीनी 1/2 कप, ये भी इसी में डाल देते हैं। बॉयल आने का वेट करती हूँ, और इसकी एक बेहतरीन सी हमने सॉस कह लें, या इसको इसके स्ट्रॉबेरी का कुछ भी कह लें, तो ये ज़बरदस्त सी आइसक्रीम के लिए, वैसे भी अगर स्लाइस पे भी लगा के आप खाना चाहें तो भी बेहतरीन सी सॉस हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो इसके मेल्ट होने का वेट करती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको। स्ट्रॉबेरी में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है, और इसमें जो आइस क्रिस्टल थे वो डिज़ोल्व हो गए हैं। तो बस इस वक्त हम इस मैशर को यूज़ करते हुए इसको साथ साथ मैश करेंगे, और साथ साथ बस इसको गाढ़ा होने देंगे। बस तकरीबन 3 से 4 मिनट में ज़बरदस्त सी सॉस हमारे पास स्ट्रॉबेरी की बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं इस तरह मैश करते हुए इसको यानी सॉस की तरफ ले जाती हूँ। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होता है तो ये सॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल भी हमने इसको ब्लेंडर में नहीं करना, यानी बिल्कुल बारीक वाली सॉस नहीं हमने बनानी, थोड़े थोड़े चंक्स इसके रहने चाहिए जो आइसक्रीम में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो ना हम इसमें कोई किसी किस्म का कलर डालेंगे, और ना ही किसी किस्म का हम कोई केमिकल डालेंगे। तो ज़बरदस्त सी सॉस हमारी तैयार होती है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, देखें माशाल्लाह थिक सी सॉस कह लें या जैम कह लें, ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस हमें इतनी चाहिए। तो मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। ये देखें इसकी थिकनेस आपके सामने है, जो ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगी। तो फ्लेम को करती हूँ ऑफ, इसको साइड पे करती हूँ। मेरे पास कुछ डार्क चॉकलेट थी तकरीबन 3 टेबल स्पून इस तरह क्रश की हुई, तो इसकी मैं सॉस बना लेती हूँ, यानी गनाश के जैसी। तो इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून व्हिपिंग क्रीम, क्योंकि हमने इसकी बनानी है गनाश, और नीचे मैंने इसके गर्म पानी रख दिया हुआ है, यानी पानी उबलता हुआ। बस 2 मिनट में ही ये डिज़ोल्व होके गनाश की सूरत में आ जाएगी। तो जो हमने चॉकलेट फ्लेवर बनाना है तो उसमें ये हमारी ये वाली सॉस काम आएगी। तो जैसे ही डिज़ोल्व होती है तो मैं दिखाती हूँ आपको। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको इस गर्म पानी में पड़े हुए, तो देखें ये लिक्विड हो गई है जैसी हमें चाहिए। तो तकरीबन ये बिल्कुल तैयार है, यानी इसको डार्क आप चॉकलेट डार्क सिरप भी कह सकते हैं, या चॉकलेट सॉस भी कह सकते हैं। तो ये हमारी तैयार हो गई है, इसको भी हम कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। तो बाकी का हम अपना आइसक्रीम का जो मिक्सर है उसको हम बीट करते हैं। तो चलें, आइसक्रीम के लिए जो मिक्सर बना के मैंने फ्रीज़ किया था, यानी तकरीबन 5 घंटे मैंने इसको फ्रीज़ किया है स्टील के बर्तन में, इसलिए कि जल्दी से हो जाए। तो इस स्टेज पे हम इसको इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको करना है बीट, बीटर से बीट करना है। तो अगर ज़्यादा हार्ड होगी तो बीटर उसमें चलेगा नहीं। तो पहले मैं इसको
कट करने से थोड़ा सॉफ्ट कर लेती हूँ और फिर मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ जिसमें हमने इसको बीट करना है। मिक्सर को मैंने इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है क्योंकि इसने फूल के बहुत ज़्यादा हो जाना है और इसमें जब हम व्हिपिंग क्रीम भी डालेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये बड़ा वाला बर्तन जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ उसको मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इसी स्टेज पे तकरीबन लो हमने इसको चलाना है। इसके लिए आपके पास बीटर लाजमी होना चाहिए, बीटर के बगैर आपकी ये आइसक्रीम नहीं बन सकती। तो बीटर को मैं लो स्पीड से चलाते हुए हाई करूँगी, जैसे जैसे मेल्ट होगा तब मैं इसको हाई करूँगी। तो अभी आपके सामने है थोड़ा थिक सा, तो लो पे इसको मैं चलाती हूँ। अभी एक मिनट के लिए ही मैंने बीटर चलाया है तो इस फॉर्म में आ गया है। तो मुसलसल मैं इसको 3 से 4 मिनट हाई स्पीड पे अब इसको बीट करूँगी जब तक कि ये तकरीबन ट्रिपल गुना ज़्यादा फॉर्म में ना आ जाए। तो मैं इसको अब हाई फ्लेम पे हाई स्पीड पे इसको मैं बीट करती हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको बीट किया है। तो देखें ये कितनी फ्लफ़ी सी हो गई है, इसका टेक्सचर देखें बिल्कुल करीम के जैसा इस तरह का होना चाहिए। तो इसको मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ और व्हिपिंग क्रीम जो है उसको व्हिप करूँगी। तो इसको आपने बाहर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, इस स्टेज पे फ़ौरन ही आपने उठा के इसको फ्रिज में रख देना है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहे। स्वीट व्हिप मैंने ले लिया है, तकरीबन मैं इसमें अंदाजे से 2 कप के बराबर मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम डालूंगी जिसमें क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, इस तरह बहती भी होनी चाहिए, यानी ये तकरीबन 1 कप और इतना ही मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अपने मुताबिक जो व्हिपिंग क्रीम है मेरे एरिए से मिलती मैं वो डाल रही हूँ। और अंदाजे से मैं इसको 2 कप जितनी डाल ली है और इसको हम करते हैं अब बीट शुरू। तो व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल चिल होनी चाहिए और बर्तन भी जो आप यूज़ कर रहे हैं अभी इतनी गर्मी नहीं हुई कि हम इसके नीचे बर्फ़ रखें, तो इसलिए इसको बर्तन को मैंने तकरीबन 4-5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लो पे करेंगे और फिर इसको हाई पे व्हिप करेंगे। अभी सिर्फ मैंने 1 मिनट ही किया है तो इसकी फॉर्म इस तरह हो गई है। तो हमने बिल्कुल क्रीम उस तरह की व्हिप नहीं करनी जिस तरह के हम केक के लिए थोड़ी हार्ड सी करते हैं, उससे थोड़ी कम। तो इसको मुसलसल मैं 2-3 मिनट और लगेंगे, तो इसको मैं मज़ीद व्हिप कर लेती हूँ। तकरीबन मुसलसल मैंने इसको 3 मिनट किया है, देखें कुछ इस तरह की व्हिप हो गई है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करनी, फिर तो बिल्कुल वैसे हो जाएगी जैसे केक के ऊपर अप्लाई करने की हार्ड सी जो होती है, तो हमें इसी फॉर्म में चाहिए। तो इसको फिर से मैं दूसरे बर्तन में जो हमने पहले व्हिप किया है उसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ क्योंकि बर्तन हमें इसके लिए बड़ा चाहिए। तो इसमें जो पहले हमने क्रीम व्हिप की थी यानी जो हमने इसका बेस बनाई है, तो इसमें हम ये सारी की सारी अपनी व्हिपिंग क्रीम जो व्हिप की है, ये स्वीट होती है, मीठा हमने जितना डालना था वो हम पहले ही डाल चुके थे, वरना इस स्टेज पे कंडेंस्ड मिल्क डाला जाता है तो इसलिए हमें कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत नहीं। क्रीम भी हमारी मीठी है और मीठा हमने उसमें डाल लिया है जितना हमें ज़रूरत था। व्हिपिंग क्रीम ऐड करने के बाद फिर हम इसको कुछ टाइम के लिए 2 से 3 मिनट के लिए फिर अच्छी तरह से व्हिप कर लेते हैं, मिक्स भी हो जाएगा आपस में, यकजान सा भी हो जाएगा तो फिर से ये फूलेगा। क्रीम हमारी फिर से व्हिप हो गई है और अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, 3 मिनट के लिए मैंने फिर से इसको बीट कर लिया बहुत अच्छी तरह से। तो ये बन गई है हमारी बेस, तैयार हो गई है एक्चुअली आइसक्रीम की बेस जो होती है, और देखा जाए तो क्वांटिटी में ये 4 लीटर के करीब हमारी आइसक्रीम की बेस बन के तैयार हुई है। यानी हमारी आइसक्रीम चाहे आप 1 फ्लेवर बनाना चाहते हैं या 4 फ्लेवर बनाना चाहते हैं इसी बेस में बनेंगे। फ्लेवर बनाने के लिए मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाऊंगी और आधे का मैं चॉकलेट फ्लेवर बनाऊंगी। तो मैं किस तरह चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी बनाती हूँ, और इसको मैं पहले हाफ हाफ डिवाइड कर लूँ। हाफ मैंने क्रीम कर ली है जो हमने बीट की थी, तो मैं पहले इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए चंद ड्रॉप्स में स्ट्रॉबेरी एसेंस ये डाल देती हूँ और इसी के साथ लिक्विड फॉर्म में मेरे पास रेड कलर है तो वो डाल दूँगी।
जितना हमें इसका चाहिए, यानी हम इसको बिल्कुल लाइट बाजार के जैसा रखना चाहेंगे, तो पहले मैं चंद ड्रॉप्स इसमें डालूंगी लिक्विड फॉर्म के, रेड कलर के। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी इसको कर सकते हो। तो फिर से मैं इसको स्लो स्पीड पे बीट कर लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हमारा तैयार हो गया है, तो इसको मैं किस तरह ट्रांसफ़र करूँगी दूसरे बाउल में, और जो मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस बनाई है वो इसके अंदर हमने कैसे ऐड करनी है, तो मैं दिखाती हूँ। पहले हम ये दूसरे जार में जिसमें हमने फ्रीज करना है किसी भी बॉल में, तो उसमें ट्रांसफ़र करती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। इस बॉल में मैं स्ट्रॉबेरी वाला पहले आधा मिक्सर डालूँगी, और इसके ऊपर मैं अपनी जो सॉस हमने बनाई है यानी स्ट्रॉबेरी सॉस, तो वो इसके ऊपर अप्लाई करूँगी, ताकि एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी आइसक्रीम हमारे पास बन के आ जाए। बड़े बड़े ब्रांड्स को आप इंशाल्लाह भूल जाएंगे। तो स्ट्रॉबेरी सॉस जो मैंने बनाई थी, तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो जो ठंडी हो गई है, तो इस तरह हम इसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे दरमियान में, ताकि हर जगह पे हमें इसकी सॉस का मज़ा आए। जब ये चिल हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम तैयार होगी। तो इस तरह करते हुए तकरीबन मैं इतना एक टाइम में डाल देती हूँ, और बाद में हम इसके ऊपर भी डालेंगे, और बाकी बचा हुआ जो हमारा मिक्सचर है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का, तो वो भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ सारे का सारा। अच्छी तरह से दूसरी लेयर भी मैंने इसके ऊपर सेपरेट कर दी है। तो इस तरह सेपरेट करने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी, उसी तरह से इस तरह करते हुए। तो मैं इस पे थोड़े थोड़े फासले पे स्ट्रॉबेरी सॉस डाल के मैं इसको कैसे डिज़ाइन करूंगी, ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। स्ट्रॉबेरी सॉस डालने के बाद मैं एक स्टिक की मदद से इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करूंगी। आप भी अपने जेन के मुताबिक कुछ भी आप कर सकते हैं, ताकि एक अच्छी जगह अच्छी तरह से हर जगह पे सेट भी हो जाएगी, और हर स्कूप में हमें इसका टेस्ट भी आएगा। तो इस तरह करते हुए मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, तो बस ये फ्रीज़ करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर एयर टाइट ढक्कन लगा के, तो इसको तकरीबन हम 6 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे। आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी इसको छोड़ सकते हैं। तो तकरीबन ये मेरा जो बॉल है, इसमें 4 लीटर के करीब चीज़ आती है, तो हाफ फिल किया है, समझ लें कि ये 2 लीटर हमारे पास आइसक्रीम तैयार होगी है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, और 2 लीटर ही हमारे पास तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह चॉकलेट फ्लेवर। तो इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और चॉकलेट फ्लेवर तैयार करती हूँ। हाफ आइसक्रीम बेस जो मैंने निकाल के रखा था, यानी चॉकलेट फ्लेवर बनाने के लिए, तो इसके लिए जो मैंने ये चॉकलेट गनाश कह लें या इसको सिरप कह लें, ये जो बनाया था, तो मैं इसमें डाल देती हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के, और बाकी का हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो इसको डाल के मैं थोड़ा सा फिर से बीट करने पड़ेगा मुझे इसको, तो लो स्पीड पे मैं इसको बीट कर लेती हूँ। और इसी स्टेज पे चॉकलेट एसेंस मेरे पास है, तो मैं चंद ड्रॉप्स इसके भी डाल देती हूँ, ताकि एक अच्छी सी शानदार सी अच्छे ब्रांड की आइसक्रीम हमारे पास बनके तैयार हो जाए। तो फिर से मैं बीट कर लेती हूँ अच्छी तरह से इसको। चॉकलेट फ्लेवर जो मैंने बनाया है, तो मैं इस बॉल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ सारे का सारा चॉकलेट आइसक्रीम। मैंने इस डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दी है, यानी ये भी मेरा 4 लीटर का डिब्बा है, तो समझ ले कि 2 लीटर इसमें आ गई है हमारी चॉकलेट आइसक्रीम। तो इसको भी मैं कुछ चॉकलेट सिरप डाल के इस तरह से, ताकि एक अच्छी सी लुक भी आए और अच्छा सा टेस्ट भी हमारे पास आ जाए। तो तकरीबन 3 चम्मच भर के मैं इसमें चॉकलेट सॉस जो मैंने बनाई है, या सिरप इसको कह लें, तो ये डाल दिया है। तो इसको भी मैं इस स्टिक की मदद से कुछ यूँ कर लूँगी इसको, ताकि दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, और जब हम स्कूप बनाएं तो स्कूप भी इसके अच्छे बन के तैयार हों। तो आप भी कोई सा भी आपके जहन में डिज़ाइन है, कुछ और कर सकते हैं, तो आप अपने जहन के मुताबिक ज़रूर करें। तो फ्रीज होने के लिए हमारी ये आइसक्रीम तैयार है, तो इसको मैं लगाती हूँ ढक्कन। एयर टाइट होना चाहिए आपका ये ढक्कन,
तो ढक्कन को मैं लगा के इसको भी फ्रीज कर देती हूँ तकरीबन 6 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। 8 घंटे फ्रीज़र में फ्रीज करने के बाद आइसक्रीम को हम चेक कर लेते हैं, तो माशाल्लाह कितनी ही शानदार सी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम हमारी फ्रीज हो गई है। इसी तरह दूसरी को भी चेक कर लेते हैं, दूसरी भी माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गई है। तो ठंडी थी, चिल थी, तो इसलिए 8 आवर्स में ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गई है। अगर चिल ना होती तो इसको ओवरनाइट रखना पड़ता, मगर मैंने 8 घंटे के बाद इसको निकाल लिया है। तो 8 घंटे के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको कि इसके स्कूप हम कैसे बनाएंगे। स्कूप बना लेते हैं। पहले हम चॉकलेट के स्कूप ये बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बन जाने वाली हमारी ये आइसक्रीम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। स्कूप यानी बहुत अभी ये हार्ड है, यानी जितनी आइसक्रीम ओवरनाइट पे हो जाती है हार्ड, तो इस कदर ये हार्ड हो गई है। तो इसके स्कूप हम चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह करते हुए मैं इसके स्कूप निकाल लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी के स्कूप भी हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं, चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं इसको। और वही सॉस जो हमने चॉकलेट सॉस और स्ट्रॉबेरी सॉस जो बनाई है, ये थोड़ी थोड़ी ऊपर भी डाल देते हैं खूबसूरती के लिए। अगर आप चाहें तो ये स्ट्रॉबेरी सॉस स्लाइस पे लगा के भी बहुत ही अच्छी लगती है, यानी बिल्कुल जैम के जैसी ये हो जाती है घर में बनाने वाली सॉस। तो इसको भी डाल देते हैं हम थोड़ा सा। तो ये थी हमारी ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी। GMS और CMS CMC से हम कैसे बहुत ही आसानी से घर में बहुत ही जल्दी से तैयार कर जाने वाली आइसक्रीम सिर्फ घर के बचे हुए दूध से, यानी 3 कप दूध से ये आइसक्रीम मैंने तैयार की। उम्मीद है मेरे टिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और गुड लुकिंग है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।